Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello, my dear student. Welcome to my channel, Query Solver. I am your educator, Srien Singh, and today I want to teach you root word. And today my root word is Crazy. Crazy means power, rule, government. This word used for especially for in political science for government so first word is anocracy anocracy means a government has no system beta uh, iska means hota hai anocracy means hota hai koi ऐसी सरकार जिसमें ना कोई rule है ना कोई regulation है जैसी चल रही है चलने दो जिसमें has no system, इसमें कोई system नहीं होता है means एनोक्रसी Next word is aristocracy a government why most ट्रेबलेट पीपल यानी कि एक ऐसी सरकार या ऐसी गवर्नमेंट जिसमें केवल जो उच्च वर्ग या कुलीन होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा ये गवर्नमेंट क्या होता है ऑथराइज की जाती है या चलाई जाती है अरेस्टोक्रेसी नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोक्रेसी ऑटोक्रेसी मीन्स होता है ए गवर्नमेंट रन बाई ए सिंगल इंडिविजुअल यानी कि यह यूज किया जाता है नौकरशाही के लिए या एक तरीके से हम कहें तानाशाही के लिए जैसे कि हिटलर था उसके लिए बोल सकते हम ऑटोक्रेसी उसकी गवर्नमेंट कैसी थी उसकी सरकार कैसी थी बच्चों वो थी ऑटोक्रेसी नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्यूरोक्रेसी ए गवर्नमेंट विथ नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल बेटा ये होती है एक नौकरशाही या एक अहम कर्मचारी शासन होता है जिसमें जो भी नेम या कानून होते हैं जो भी जनता के लिए बनाए जाते हैं वो कर्मचारी जो होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी मीन्स होता है ए गवर्नमेंट वेयर पीपल आर एलिजिबल टू चूज देयर रूलर्स यानी कि गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो जनता होती है उसको अपनी जो शासन करता होता है यानी जो कि उन पर जो भी अधिकार करता है या उनको जो राज्य चलाता है एक तरीके से हम कहें किंग होता है उसके लिए ये यूज़ किया जाता है डेमोक्रेसी इसमें डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति अपनी हम सरकार को चुन सकते हैं और इंडिया में यही चलाता है डेमोक्रेसी नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पोटोक्रेसी यानी कि ई गवर्नमेंट रन बाई ए डिस्पोट ये भी एक तरीके से ये तानाशाही के यूज़ किया जाता है बेटा नेक्स्ट वर्ड इज डाइबो डैबलो यानी कि ए गवर्नमेंट रन बाई ए डैवल एक राक्षसी तंत्र के लिए यूज़ कर सकते हैं हम आजकल तो ऐसी सरकार नहीं रही है लेकिन जो भी हम जो मॉरल कहानियाँ वगैरह पढ़ते हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता था कि इस तरह का शासन पाया जाता था तो इसको बेटा हम बोलते हैं राजसी राक्षसी तंत्र नेक्स्ट वर्ड इज़ जेरेंटोक्रेसी बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो जेरेंटो यूज़ किया गया है ये यूज़ किया जाता है ओल्ड मैन के लिए और क्रैसी मीन्स क्या होता है शासन यानी गवर्नमेंट वाई ओल्ड मैन या पीपल जिसमें वृद्ध लोग जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके द्वारा सरकार को चलाया जाता है उसके लिए यूज किया जाता है आपका वर्ड क्रेसी नेक्स्ट वर्ड इज कैक्टोक्रेसी ए गवर्नमेंट वाई द वर्ष यानी भ्रष्ट राजतंत्र होता है इसमें क्या होता है सिस्टम तो होता है बट क्या होता है बिल्कुल एक तरीके से रिश्वत खोरी का या भाई भतीजावाद जैसी बातें सुनने को मिलती हैं और ये यूज़ किया जाता है भ्रष्ट शासन के लिए नेक्स्ट वर्ज इज़ क्लैप्टो बेटा यहाँ पर जो क्लेप्टो वर्ड यूज़ किया गया है ये यूज़ किया जाता है चोरी के लिए और क्रेसी आपका मीन्स होता है शासन करना यानी कि ए गवर्नमेंट रन बाई थीप्स यानी चोरों की सरकार यानी कि ऐसी सरकार है जिसमें चोर चोट लोग ही सरकार चलाते हैं ऐसा होता नहीं है बट नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड इज मीडियोक्रेसी यानी कि ए गवर्नमेंट रन वाई मेडियो मेडियोक्री यानी कि साधारण राजतंत्र होता है बेटा जिसमें क्या होता है सिंपल कानून वगैरह बनते हैं और एक तरीके से हम ये कहेंगे आप तो आप इसको वर्ड को पंचायती राज व्यवस्था से भी जोड़ करके देख सकते हैं नेक्स्ट वर्ड इज मोबोक्रेसी ए गवर्नमेंट रन बाई द मूव बेटा जो मूव वर्ड यूज किया जाता है ये यूज किया जाता है भीड़ के लिए और क्रेसी मीन्स शासन होता है यानी कि इसमें क्या होता है लोग भीड़ वाला जो शासन करते हैं वो होता है मोबोक्रेसी नेक्स्ट वर्ड इज न्यूक्रेसी न्यू वर्ड यूज किया गया बेटा यहाँ पर समथिंग न्यू न्यू मीन्स से क्या होता है न्यू की आती है यानी कि ए न्यू पर्सन या ये कहें हम ए गवर्नमेंट रन बाई अनएक्सपीरियंस अन एक्सपीरियंस्ड और फ्लीडिंग ऑफिशियल यानी ऐसे लोगों की द्वारा सरकार चलाई जाती है जिसको कोई अनुभव नहीं होता है उसके लिए यूज किया जाता है ये आपका वर्ड न्योक्रेसी नेक्स्ट वर्ड इज इस, इस्ट्राटोक्रेसी यानी कि ई गवर्नमेंट रन बाई द मिलिट्री चिप्स बेटा ये इसमें क्या होता है ये मिलिट्री के द्वारा यह शासन चलाया जाता है जो इसको हम राजतंत्र बोलते हैं नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी मीन्स होता है ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच ओनली प्रॉपर्टी ओनर्स कैन पार्टिकल इन गवर्नमेंट यानी कि एक ऐसी सरकार जिसको बनाता है कौन बना सकता है या ये कहें कहाँ पर चलती है बीयर प्रॉपर्टी ओनर्स ये पहले चली चलती थी यानी कि जैसे कि हम कहें जैसे कि पुराने जमाने में चलती थी आजकल ये सरकार खत्म हो चुकी हैं नेक्स्ट वर्ड इज थियोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक सरकार का एक ऐसा रूप वेहर गॉड इज़ द रूलर बेटा ये यूज़ किया जाता है थियो थियो वर्ड यूज़ किया जाता है गॉड के लिए भगवान से जोड़कर ये देखा जाता है और क्रेसी मीन्स होता है आपका शासन यानी कि लोगों को मानना ये होता है कि हमारे तो जो भी सरकार हैं हमारे तो भगवान ही सरकार है नेक्स्ट वर्ड इज नोमोक्रेसी यानी कि ए गवर्नमेंट बाई लो लॉ लॉ मीन्स होता है बेटा कानून कोई ऐसी सरकार जिसमें कायदे कानून के द्वारा चलती है उसके लिए यूज किया जाता है ये आपका वर्ड नोमोक्रेसी नेक्स्ट वर्ड इज़ एंडोक्रेसी रूल्स बाई मैन वर्ड यूज किया जाता है बेटा मैन के लिए यहाँ पर यानी कि जिसमें केवल हम कहें जैसे कि आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था वहां पर पित्रात्मक इसको आप बोल सकते हो पित्रात्मक सरकार नेक्स्ट वर्ड गायनोक्रेसी गायनो वर्ड यूज किया जाता है फॉर लेडीज यानी रूल्स बाई वूमेन ऐसी सरकार जिसमें क्या होता है औरतों द्वारा सरकार चलाई जाती है जिसको एक तरीके से आप पेटी कोट सरकार भी बोलते हैं नेक्स्ट वर्ड इज़ ड्योलोक्रेसी रूल्स वाइस लेस यानी कि ग़ुलामों की सरकार जिसमें ग़ुलाम लोग की सरकार चलाते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है ये और गाइज हम आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया आपने लाइक किया शेयर किया और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को भी इतना ही प्यार दें और आने वाली और इससे भी हम बेटर और वीडियो बनाएंगे तो प्लीज़ तो चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को वॉच कीजिए और कमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग